क्या हुआ मैं तो मेरा आज काम में मन नहीं था, क्योंकि जो मेरा रात को नुकसान हुआ ना उसी का डिस्कशन चल रहा था। फिर ये चीज मैंने मम्मी को भी बताई। तो मुड़ी है तुम, तुम्हारा तो प्लास्टिक का नोट है ना, फटेगा ना जलेगा, चल जाएगा साल साल है ना। थोड़े दिन की बात है, ये सीन रिवर्स होएगा। हाँ, ये ऐसे बैठेंगे, हम इनकी मेहनत सुनाएंगे, एक हाथ से खाने खाएंगे, फिर हम रील बनाएंगे। इतनी ठंड है, हीटर भी चल रहा है, ड्रायर भी चल रहा है, ठंड तो लग रही है। हीटर तो मैंने जिससे चलाया, अपनी शादी में भी सुखाया था ना हीटर ड्रायर से। आज खाएगी प्याज मिर्च भी खा ले। लाजपत और अब यहाँ से करेंगे शॉपिंग। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या मिला लवी? ब्लॉग में ब्लॉग मुलाकात होगी आज। यहाँ तो गप मारनी छोड़ दे, मसाला देखो इतनी तो मैं बनाई छू। काली चाय बना रहे का दुख तो मुझे है ही, पता नहीं क्या होगा अब। हैप्पी एनिवर्सरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रांची डेढ़ा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज के दिन की शुरुआत हुई मेरी बहुत बेकार, क्योंकि ये मेरी बेकार हुई थी रात से। मेरे साथ हुआ बहुत ही बड़ा, मतलब बोलते हैं ना, मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। क्या हुआ मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी। एक्चुअली ना मेरा सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा दिमाग खराब था। सुबह सुबह अपनी पूजा पाठ निपटा के मैंने भी अपनी चाय और आजकल का स्टील के ग्लास में मैं पी रही हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना, कप में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। मैं थोड़ी देर रख के पीती हूँ, जैसे मुझे टेम्परेचर मतलब चाय का जो चाहिए वो कप में तो ठंडा हो जाता है, स्टील के ग्लास में काफ़ी देर तक चलता है। सो उसकी वजह से मैं पी रही हूँ। फिर मैंने अपने यहाँ पे किचन का काम वाम निपटाया। आज बनाई थी मैंने कढ़ी पकौड़े। तो मेरा आज काम में मन नहीं था, क्योंकि जो मेरा रात को नुकसान हुआ ना उसी का डिस्कशन चल रहा था। फिर ये चीज़ मैंने मम्मी को भी बताई और मतलब वही कन्फ्यूजन चल रही थी। सो काम करते करते धीरे धीरे अपना वही, मेरा सारा फोकस वहीं था आज। बस क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा मन दुखी था और मेरी डांट भी बहुत पड़ी इस बात पर। तो आगे ब्लॉग में पता चलेगा क्या नुकसान हुआ था। मावस थी तो खीर भी बना ली थी, तो दिन जैसे तैसे गया। तो फिर मैंने शाम को ब्लॉग स्टार्ट किया। इवनिंग और दीदी के लग रही आज मेहंदी, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं कल घूमने और यहाँ पे आ गई है सब्जी ढेर सारी। और कल मेरा रहेगा, मैं आपको बता नहीं सकती कल क्या है। कल बहुत स्पेशल चीज़ है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है। मतलब जो मैं मानती हूँ ना वो समझ लीजिए। प्लास्टिक का नोट है ना, फटेगा ना जलेगा, साल साल है ना। देखिए यहाँ से मीकी, कान्हा और दीवा की शैतानियाँ चावल भी फेंक के गया है, दोनों गेट खुल गया ताकि चूहे पुए कुछ भी घुस जाए घर में। फिर इसके बाद यहाँ से इन्होंने शूज़ वगैरह निकाले होंगे, तो वो भी इन्होंने खुली छोड़ दिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको घर का मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे इनके बुक्स और फलाना ढिमका फैला रखा, वो दीवा ने फैला रखा है। इतना घर फैलाने के बाद कहाँ से क्या इकट्ठा करके ले आती है। और अपनी इनके अभी ये स्कूल के कपड़े वगैरह कहाँ फेंके हैं। ठीक है, देन यहाँ पे वो ले आई थी ये सामान इकट्ठा करके, यहाँ पे इसके टॉय वगैरह पड़े हैं, फैला के भाग गई है। तो ये सारा, तो ये इतना सारा गंदगी फैला देते हैं ना, मतलब अपने काम के बीच में रुको पहले और उसको डालो। अभी मैंने एक व्लॉग अपलोड करा था, आपने देखा होगा कल वाला, दो दो गुड़िया वाला जो मैंने डाला था, जिसमें जिनों के लिए दो दो गुड़िया आई थी, दोनों गुड़िया की हालत देख ली, एक यहाँ पड़ी है एक वहाँ पड़ी है, खेलना इसको है नहीं। इसलिए हमने ना अभी तक इसके लिए कोई टॉय ही नहीं लाया, मतलब जब से जिनों हुई है, मतलब स्पेशली ऐसा सच खरीद के कुछ टॉय नहीं लाया। कोई इक्का दुक्का खरीदा होगा कभी, बट ऐसे नहीं लाए, क्योंकि मुझे याद है कान्हा मिकी के तो अब तक भी आते हैं और इनके इतने टॉयज़ थे, इतनी भरमार थी ना टॉयज़ की, देखने वाले बस देखते ही रह जाए कि मतलब एक रूम पूरा भर जाए ऊपर तक। मतलब वैसे नहीं भरे, कट हो गए, कट्टे भर रहते थे, खरीदते रहते थे, खरीदते, हमें भी शौक था, लाते रहते थे और ये भी लेते रहते कहीं बॉल बॉल बॉल। बट अब इस इनसे हम इतने ना वो हो चुके थे दुखी, फिर उनको कहाँ रखे, दुनिया भर की प्लास्टिक घर में इकट्ठी हो गई थी, और फिर देना बांटना, फिर तोड़ फोड़ के फेंक देते, किसी को मतलब यूज़ के भी नहीं रहते, बच्चे तोड़ फोड़ देते ना, तो वैसे भी हो गए थे। और अब दीवा के लिए हम लाए नहीं, बट अब जो दीदी ले आई ना एक दो टॉय, वो भी यही हालत करती है ये,
तोड़ फोड़ उसको शौक नहीं है, मतलब इसकी ज्यादातर हैबिट्स ना मीकी जैसी हैं, तो मीकी जैसे लड़कों वाली हरकत है तो इसको भी ये लगता है वही हरकत ये करती है। अब सारे में खेलना गंद फैलाना वो सब रहता है, हमारा घर तो बहुत ज्यादा मैसी करके रखती है लड़की, पर कहीं ना कहीं लगता है कि यार बच्चे हैं इनका बचपन है, क्योंकि इनको खेलने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस मिलता नहीं है, घर में ही खेलते हैं, ऊपर ऊपर हम भेजते नहीं, अभी ठंड भी थी और डीवा तो बहुत छोटी है तो घर घर में रहती है, बुआ घर जाती है वहाँ पे करती है। बट चलो करते हैं इसको साफ सफाई और मिलती हूँ आपसे भी सफाई करके थोड़ी देर में। तो गाइस बच्चे तो ऐसा घर गंदा कर ही देते हैं और मोस्टली जिनके घर में बच्चे हैं सब इस सिचुएशन को समझ सकते हैं कि इनसे तो कोई नहीं निपट सकता, बट हाँ जब ये जाते हैं तो फिर हमें ठीक करना पड़ता है, हर एक दो घंटे में फिर ये हालत हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या नुकसान हुआ, जब हम ट्रिप पे गए हुए थे ना मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत बढ़िया सा सरप्राइज वे में प्लान करके ना, क्योंकि काफ़ी दिन पहले 3-4 साल हो गए मेरे फ़ोन यूज़ करते हुए, टूट फूट भी गया था और आप लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत थी यार फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हो चेंज करो क्वालिटी ख़राब हो रही थी, तो इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे दिया iPhone 15 और मैंने पिंक कलर, मेरा था मन लेने का पिंक कलर का फेवरेट मतलब करके मैंने लिया था वो फ़ोन, और वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सरप्राइज़ दिया था, आपको व्लॉग में डालूंगी, अभी मैंने वो डाला नहीं है तो वो व्लॉग देखना उन्होंने मुझे कैसे फ़ोन दिया था। मैंने बहुत अच्छे से संभाल के भी रखा था कि रास्ते में ना ओपन करूँ कहीं इसकी पिन खो जाएगी, कहीं चार्जर की केबल मतलब जो डाटा केबल है वो खो जाएगी, कुछ ना कुछ गुम हो जाएगा, तो मैंने सोचा घर पे ही करूँगी फिर वहाँ पे आराम से तसल्ली से, इसको टाइम लग के चेंज होता है ना थोड़ा डाटा ट्रांसफ़र होता है तो मतलब सेट करने में टाइम लगता है, तो हमें ट्रैवलिंग में इतना टाइम नहीं होता, नेटवर्क का इशू होता है। मैंने ओपन करा नहीं और मैंने उसको संभाल के रख दिया था अपने कपड़ों में, लगेज में रखा था या फिर बैग में रखा था मुझे ढंग से याद भी नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने अपने साथ ही रखा हुआ था हैंडबैग में, एंड देन वो पूरा का पूरा ब्रांड न्यू फ़ोन मेरा गायब हो गया, चुर गया या मैं कहीं भूला ही मुझे पता ही नहीं। यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा था कि मैंने उठा के वो रख दिया है शायद, बट जब मैंने पूरी अलमारी देख ली सब कुछ देख लिया ड्रॉर वॉर कि आज उसको चेंज करती हूँ टाइम हो गया है, तो देखा तो वो फ़ोन ही नहीं था, फिर बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हुआ, और मेरे हस्बैंड ने तो कई बार बोला भी था कि इसको चेंज कर ले कोई नहीं रात के टाइम होटल में किसी में भी नेट रहता है कर लो, मैं बस आलकस कर गई। क्या चला लगी थोड़े दिन की बात है ये सीन रिवर्स होएगा, ये ऐसे बैठेंगे हम इनकी मेहनत से जाएंगे, एक हाथ से खाना खाएंगे फिर हम रील बनाएंगे दीदी बोल इतनी ठंड है हीटर भी चल रहा है ड्रायर भी चल रहा है ठंड तो लग रही है हीटर तो मैंने जिससे चलाया जब अपनी शादी में भी सुखाया था ना हीटर ड्रायर से भगी डोली दिन में लगवा ली फिर पार्लर वाले जाती रहे और फिर कहीं नहा रही है कहीं धो रही है शादी में किसे लग रही है बुढ़ापे इनके शरीर हां शौक पूरे दुल्हनों वाले हैं दिल अभी जवान है तो दीदी जा रही है अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कराने और आज मम्मी का मन था कि मसूर की दाल ही सिंपल खाएं, तो मैं इसी तरह से भिगो के और बनाती हूँ। अभी मैंने सोचा था जया ने बताया कि मैं तो सिंपल तड़का मार दूँ, बट मैं फिर भूल जाती हूँ, मैं तो हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और मेरा ना ध्यान वहीं था ना उस फोन के ऊपर, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। प्याज खाएगी, प्याज मिर्च भी खा ले, हरी मिर्च भी खा ले। यहाँ डीवा के साथ थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर रही थी, इसको चोटी बनाने का इतना शौक है, बस एक मिनट में चोटी बनाएंगे और एक मिनट में खोल देगी, तो मैं सोच रही थी क्या ही करूँ, अब खो गया क्योंकि वो खोआ भी हम गुजरात में गए थे ना, पता नहीं कहाँ ही गिरा है, कहाँ रहा है, छुटा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ रह गया, तो इतना बड़ा मेरा नुकसान हुआ है आज, बहुत बड़ी गलती। सो दाल हमारी बन गई और आटा भी मैंने लगा दिया, अब डीवा भी मेरे साथ मौज मस्ती करके चले गए। डीवा ने क्या मस्ती करी थी आप उसके चैनल पर देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर उसकी ना क्लिप डाली है छोटी सी, अब उसके चैनल पे एक्टिव हो गई है वो, क्योंकि अब विंटर्स चली गई है यहाँ पे ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मीठी मीठी ठंड है, मतलब जो भयंकर वाली ठंडी है वो जा चुकी है। सो डीवा भी थोड़ी सी एक्टिव हुई है, तो आप उसको उसके चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पे उसकी रील्स व्लॉग्स सब आएंगे भर भर के, और अब उसके चैनल पर आएंगे प्रॉपर डीवा के ब्लॉग, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो उसकी मस्ती मौज मस्ती होती है ये सब, ठीक है। एंड थोड़े दिनों में आने वाली है हमारी मिस्टर एंड मिसेस डीडा पे न्यू कॉमेडी वीडियो, उसके लिए भी आप हमारा न्यू कॉमेडी वीडियो चैनल जो है मिस्टर एंड मिसेस डीडा उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं बना लेती हूँ खाना, अभी तो वैसे कोई है नहीं, तो काना की चल रही है एग्ज़ाम्स की तैयारी, काना कर रहा है पढ़ाई,
और दीदी गई है घूमने, घूमने पता नहीं कहाँ गई है, बाहर गई होगी शायद गोलगप्पे खाने, क्योंकि वो बाहर जा रही है ना, तो मेरे ख्याल से तो कल वो जा रहे हैं अपनी एनिवर्सरी मनाने उदयपुर। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशि डेडाज व्लॉग। हाय जिनू, हाय गाइस कर दे। हाय गाइस। सो आज है 10 तारीख और आज ना छुट्टी है बच्चों की, सैटरडे की। मिकी दीदी वगैरह तो निकल गए अपनी एनिवर्सरी भी, मतलब एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, हमें साथ साथ नाश्ता बनाती हूँ, करती हूँ आपसे बात। हम लोग भी जा रहे हैं आज काली कोली, हो गए हैं थोड़ी सी लेट। जिस दिन हमें कहीं जाना होता ना उस दिन घर में मच जाती है अफरा तफरी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम रहता है संडे, मोस्टली छुट्टी वाले दिन सब लेट उठते हैं फिर भाग दौड़ में। और आज है सोनू और लवी की एनिवर्सरी, तो वो लोग भी जा रहे हैं साथ में। और आज ना वो देगा भाभी के लिए गिफ्ट, सरप्राइज प्लान कर रहा था कुछ, तो वो आने वाला था बट वो नहीं आया। अब वो लेने जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अब वही जा रहे थे बट वो यहाँ पे आके फिर हमारे साथ उनका प्रोग्राम बन गया काली खोली जाने का। तो अब मैं और कान्हा के पापा बच्चे, मतलब हम उसका सरप्राइज गिफ्ट लेके और फिर जाएंगे उनके साथ खोली। क्या गिफ्ट लेंगे वो आप व्लॉग में आगे देखना, बहुत मजे आएंगे आज। और जा रहे हैं, मैंने मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे एनिवर्सरी पे दिया था और वेलवेट में है, बहुत ही सुंदर है। ये पहना है मैंने आज और ये आया है सोनी की तरफ से, उसने एनिवर्सरी पे दिया था। दादी हम पहुंच गए लाजपत और अब यहां से करेंगे शॉपिंग। नानू खड़े, हैप्पी एनिवर्सरी, खुश रहो। मम्मी नमस्ते, नमस्ते। ये गरम करवा दो, गरम करवा दो। तो ये मिल गया लवी का गिफ्ट। और क्या मिला है, क्या मिला लवी? ये तो आपको इसके चैनल पे ही मिलेगा देखने को, है ना। तो हम पहुंच गए शाम के टाइम और आज हमें आरती मिली, पहली बार बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। व्लॉग में व्लॉग मुलाकात हो गई आज है। ये हो ना हो तो कुमार दर्शन बहुत अच्छे हुए, हम तो मेन लाइन में सीधे लाइन से गया ना, यहाँ तो गप मारनी छोड़ दे, यहाँ तो दर्शन की बात करो, यहाँ भी गप मार रही है, चुगली ना लग जाओ, गैर मौका मिलते हैं। ब्लॉगर पे ब्लॉगर मसाला देखो, मसाला तो ये है कि ट्रिप हमारी कल चलेगा तो अच्छे से एंजॉय करेगा, और नहीं तो आने जाने में निकल जाएगा तेरी ट्रिप। मेरी चाय पीते का लोगों का पेट भी खराब होता है।
घर ले जी। तो हम लोग आ गए फरीदाबाद क्राउन प्लाजा सोन और लवी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। एक औरत आज भी ऐसे बच्चे होते तो वहाँ से आते टाइम सबके दर्शन भी हो गए, फिर इनकी एनिवर्सरी थी तो सबने साथ में डिनर भी कर लिया, एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी हो गया। तो बहुत अच्छी सी छोटी सी एक ट्रिप और हो गई थी हमारी एनिवर्सरी की, और इस तरह से हमारा सेलिब्रेशन। और फ़ोन का दुख तो मुझे है ही, पता नहीं क्या होगा अब, बट देखते हैं अब क्या होता है आगे। काना तुम बुड्ढे हो गए, नाना में बड़े हो गए ना, छोड़ो हमें बुड्ढे हो गए। God bless, God bless. Happy birthday. तो अभी लवी और भाई को भी जैसे सैटरडे संडे थे, वीकेंड था और एक आध दिन की छुट्टी लेके ये लोग भी घूमने जाते, शायद उदयपुर ही जाते दीदी वगैरह के साथ या फिर अलग से, क्योंकि जब हम गए थे ना तो इनका प्रोग्राम था कहीं जाने की, इन्होंने बुकिंग वगैरह भी कराई हुई थी पैलेस की, बट नहीं जा पाए। एक्चुअली लवी के मामा जी एक्सपायर हो गए और इनके चाचा जी की भी तबीयत ख़राब थी, तो उसका थोड़ा मन अपसेट था तो वो नहीं गई, वरना उनको भी घूमने जाना था। वैसे तो पिछले साल ही हमारे साथ गई थी, बट इस बार इनको अलग से कहीं जाना था, तो ऐसे बीच में कोई घर में मिस हैपनिंग हो जाती है फिर मन थोड़ा सा उदासी होता है, तो इस वजह से ये लोग कहीं गए नहीं। और सरप्राइज़ भी भाई ने एंड टाइम पे ही फिर प्लान करा उसके लिए, तो आज बस हमारा प्रोग्राम बना तो सोचा चलिए छुट्टी थी तो मंदिर घुमाते हैं, मंदिर हुआते हैं दर्शन कर लेते हैं, इससे अच्छा दिन क्या होगा। तो ऐसे ही हुआ, छोटा मोटा सेलिब्रेशन हुआ। सो गाइज़ अब फ़ोन का तो मेरा बस एक बैराग सा लग गया कि क्या ही होगा, बहुत टेंशन है मुझे उसकी, तब चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं अब क्या अच्छा होगा। वही कह के मन को समझाया कि कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, ट्रिप पे इससे बड़ा कुछ नुकसान हो जाता है या कुछ और हो जाता, चलो एक फ़ोन में बला टली, बस यही समझाया मन में। तो चलिए अब तो फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड नाइट, मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना। और चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत बार देख चुके हैं सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी कर दो, और शेयर कर दो वीडियो को अच्छी लगे तो। बाय 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 बाय। घर जा रहे हैं, घर चलोगे? हाँ, अब पे घर जा रहे, गाड़ी बैठी, अबे बनी मामा पे घर भी चला जाएगा। बाय बाय, चलो बाय बाय बनी।